गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपांशु डोगरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हिमाचल स्टडी के चैनल में। तो अब मैं एक स्टैटिक जीका का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सब एग्जाम्स के लिए, और जेल वार्डर और पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट डेज। देखिए, मैंने हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर दिए, दूसरा पार्ट उसका मैंने डालना है अभी तक, साथ में स्टेट्स एंड कैपिटल्स का भी दूसरा पार्ट डलेगा, दो पार्ट उसके और आएंगे अभी तक, हमने पूरी कंप्लीट नहीं की है। अब मैं थर्ड एक स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कौन सा दिन कब कब होता है और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिनकी कुछ थीम भी होती है, तो वो भी मैं साथ में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनवरी 9, मैंने सीरियल वाइज चला है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। अब प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, पहले तो ये बता देता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्योंकि जब महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया, तब से ये उनकी वहाँ से यहाँ आने की खुशी में ये दिन मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय जो भी हैं हमारे जो बाहर रहते हैं, ठीक है। और थीम की बात करूँ तो इसकी थीम है 2018 की, 2018 की थीम है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। ठीक है, 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, वाराणसी में, चीफ गेस्ट थे, सॉरी ये 2019 की थीम है, 2018 की नहीं, और 19 में वाराणसी में मनाया गया, और चीफ गेस्ट जो थे वो थे पीएम ऑफ मॉरिशियस, मॉरिशियस के पीएम थे प्रवीण जगन्नाथ। ठीक है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस हर साल। अच्छा, अक्टूबर 2 अक्टूबर को गांधी जी के 150 साल भी हो रहे हैं जयंती के, तो वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। जनवरी 10 वर्ल्ड हिंदी डे। अब 2 दिवस होते हैं, एक वर्ल्ड हिंदी डे होता है, एक हिंदी दिवस होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा, वो भी मैंने डिस्कस किया नीचे। वर्ल्ड हिंदी डे क्यों मनाया जाता है, देखिए हिंदी केवल भारत में ही नहीं बोली जाती, और देशों में भी बोली जाती है। तो जो हमने वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस लिखा है ना, मैंने 1975 से ये कॉन्फ्रेंस अलग अलग देशों में हुआ करती थी, लेकिन जो अलग अलग देशों में हुआ करती थी, और उसके बाद 2006 में इस 10 जनवरी को हमने वर्ल्ड हिंदी डे के नाम से घोषित किया। ठीक है, तो 11वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2018 की, वो हुई थी पोर्ट लुइस मॉरिशियस में। ये बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, हिमाचल के जो एग्जाम्स हुए हैं अभी रिसेंट पीछे, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं जनवरी 12, जनवरी 12 है नेशनल यूथ डे, ये मनाया, और इसकी थीम है संकल्प से सिद्धि। ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं 15 जनवरी आर्मी डे, मैंने आर्मी जो डिफेंस के डेज हैं लास्ट में वो डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे भी कर दिया आर्मी डे। 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है मैं आखिर में बताऊंगा। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, थीम है अ गर्ल इज फ्लावर नॉट ए थॉर्न, थॉर्न का मतलब होता है कांटा, गर्ल एक जो लड़की है वो एक फूल है, कांटा नहीं है। आज देखिए अब तो बहुत चेंज हो चुका है ये टाइम, लेकिन जो जन्म होते ही लड़कियों को जो लड़की देख के उसे फेंक देते हैं और ये सब, ये बहुत गलत है, तो उनकी अवेयरनेस के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ऐसा कभी नहीं, सब समान है। नेक्स्ट डे जनवरी 25 नेशनल वोटर्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपके इलेक्शंस आने वाले हैं, तो नेशनल वोटर्स डे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड थीम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक्सेसिबल इलेक्शंस। नेक्स्ट जनवरी 26 को हमें पता है 69th रिपब्लिक डे, 2018 में बनाया था, 2019 में 70वां बनाया है हमने, इसकी थीम थी संगत एंड पंगत। आपने मुझे बताना है कमेंट में, यार कर दिया करो कमेंट भी जो मैं पूछता हूँ, हो सके तो कर देना, कि जनवरी जो जो चीफ गेस्ट थे हमारे 2018 के रिपब्लिक डे में, 2019 के तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया, 2018 में कौन थे ये आप बताएंगे मुझे। फरवरी 4 वर्ल्ड कैंसर डे, इसकी थीम है रिड्यूस इलनेस एंड रिलेटेड डेथ्स बाय 2020। फरवरी 13 को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, जिसकी थीम है रेडियो एंड स्पोर्ट्स। फरवरी 28 नेशनल साइंस डे, थीम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अब साइंस डे किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज दिया गया था 1928 में, उनकी खुशी में ये दिन मनाया जाता है, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन स्कैटरिंग भी बोलते हैं उसे। मार्च 8 इंटरनेशनल वीमेंस डे, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी थीम है प्रेस फॉर प्रोग्रेस। ठीक है, प्रेस फॉर प्रोग्रेस। मार्च 24 वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ट्यूबर टीवी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे होता है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, और थीम है वांटेड लीडर्स फॉर ए टीबी फ्री वर्ल्ड। अब देखिए भारत ने जो वर्ल्ड है उसने बोला है 2030 तक टीबी फ्री करना, लेकिन भारत ने निर्णय लिया है कि 2025 तक, 5 साल पहले दुनिया से, हम इंडिया में टीबी खत्म करेंगे। बहुत अच्छा ये है।
अप्रैल 7 वर्ल्ड हेल्थ डे, थीम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। नेक्स्ट अप्रैल 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे, थीम इज़ हेरिटेज फॉर जनरेशंस। हेरिटेज होता है जो पुराने हमारे धरोहर, एक सिंबॉलिकल, जैसे पुराने हमारे कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको, पुराने हमारी जो सभ्यता है उसको संभाल के रखना। अप्रैल 21 सिविल सर्विसेज डे, थीम न्यू इंडिया शेपिंग द फ्यूचर। मे 1 इंटरनेशनल लेबर्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट, थीम यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ठीक है। मे 8 वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, थीम है मेमोरेबल स्माइल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये जो थीम्स है ये 2018 की हैं, ये बोलना चाह रहा था मैं। मे 31 वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो ऊपर थी वो 2019 की है और ये 2018 की है, बस वो फर्स्ट थी 2019 की जो प्रवासी भारतीय थे। मे 31 को वर्ल्ड नो टोबैको डे, थीम इज टोबैको एंड लंग हेल्थ। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, बहुत इंपॉर्टेंट, थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे 14 जून को मनाया जाता है, थीम बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड शेयर लाइफ। देखिए खून देना बहुत एक पुण्य का काम है, तो हर साल हो सके तो आप हर साल खून दीजिए, मैं भी देता हूँ। और अपने बर्थडे को हो सके तो बर्थडे को एज ए गिफ्ट आप लेते हैं अपने दोस्तों यारों से, लेकिन एज ए गिफ्ट किसी को, किसी की लाइफ की प्रीशियस बचाने के लिए आप ब्लड दीजिए, कुछ नहीं जाता है उस चीज़ में और कोई कमजोरी नहीं आती है, ब्लड दीजिए हर साल हो सके तो। 4th इंटरनेशनल योगा डे 21st जून, थीम योगा फॉर पीस। देखिए इंटरनेशनल योगा डे 2015 से शुरू है, इस टाइम 4 हो चुके हैं। जो फर्स्ट हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है, 2016 में चंडीगढ़ में हुआ था, 2017 में हुआ था यूपी में, 2018 में देहरादून में। तो 2018 में कहाँ हुआ था? देहरादून, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, ठीक है। और थीम थी योगा फॉर पीस, और 2019 में अभी होना बाकी है। इंटरनेशनल यूथ डे, यूथ डे 12th अगस्त, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस्ड, नहीं सॉरी, वो नेशनल यूथ डे था, ये इंटरनेशनल यूथ डे है, कंफ्यूज नहीं होना है। 12th अगस्त, थीम सेफ स्पेस फॉर यूथ। सितंबर 14 हिंदी दिवस, अब मैंने बोला आपको मैं बताऊंगा, वो मैंने बता दिया वर्ल्ड हिंदी डे क्यों मनाते हैं। अब हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 में हमने हिंदी को अडॉप्ट किया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था एज ए लैंग्वेज, एंड ऑफिशियली इसको जो इनेक्ट किया था वो 1965 में किया था। तो उस संदर्भ में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16, थीम आर एक्शंस आर अवर फ्यूचर, अ ज़ीरो हंगर वर्ल्ड बाई 2030 इज़ पॉसिबल। देखिए जो आप खाना है ना उसे वेस्ट मत किया कीजिए, खाना बहुत, देखिए हम तो जैसे होटल्स में जाते हैं, कहीं जाते वहाँ पे भी हम खाना थोड़ा छोड़ के देते हैं, लेकिन उसे वेस्ट मत कीजिए। अगर हो सके तो उसे पैक करवा के कोई और खाने वाला बाहर, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो, जिन्हें खाना दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती, आप उन्हें दे दीजिए, लेकिन ऐसे वेस्ट मत कीजिए। खाना आज के टाइम पे बहुत प्रीशियस चीज़ है, हमें तो जिन जिन को उसकी मतलब एक्सेस में वो चीज़ मिली हुई है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन उनसे पूछे जिन्हें दो वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल होता है, ठीक है। अक्टूबर 24 यूनाइटेड नेशंस डे, ये मैंने आपको यूनाइटेड के नेशंस के बारे में पूरा बताया है, कब बनी थी, कब, 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, तो 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को एक और दिन होता है वर्ल्ड पोलियो डे, बहुत इंपॉर्टेंट। 1st दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एड्स डे, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड, ये आ सकता है आराम से किसी भी एक पेपर में, जेल वार्डर में, पुलिस कांस्टेबल फॉर एड्स, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉमन चीज़, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, किस वायरस से होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और थीम क्या है, नो योर स्टेटस। 25th दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ जन्मदिवस पर एक चीज़ बताऊं कि जो ये है हमारे डिफेंस के, मैंने बोला था आर्मी डे 15 जन, मैंने बता दिया 15 जन को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को हमारे जो KM करियप्पा जी हैं वो पहले कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के, ठीक है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, क्यों मनाया जाता है, 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट करके पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्होंने, आपने वो देखी होगी मूवी ऑपरेशन गाजी,
तो गाजी जो INS गाजी थी, उनकी PNS गाजी जो नेवल शिप थी गाजी, उसको सैंक करवा दिया था, और उसमें बहुत से 500 पर्सनल इंडियन पाकिस्तान नेवी के हुए थे, मारे गए थे। तो वो ऑपरेशन ट्राइडेंट, और उसमें हमारी बहादुरी इंडियन नेवी के की दिखाने बहादुरी जो उन्होंने दिखाई थी, उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। एक और दिन होता है 7 दिसंबर, जो मैंने नोट नहीं किया है, आर्म्ड फोर्सेस डे, फ्लैग डे, 7 दिसंबर। आपने देखा होगा स्कूल में आपको एक फ्लैग मिलता था, ठीक है, वो होता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। वो जो हमारे जो शहीद भाई लोग हैं, जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस, उनके लिए थोड़ा डोनेशन इकट्ठा करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए कि पूरा इंडिया उनके साथ है, उसलिए वो मनाया जाता है। तो ये थी एक वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये स्टैटिक जीके के लिए। देखो जो तुम जैसे ये मैं करता हूँ, तो इसमें तुमने एक्चुअली क्या चीज़ करनी है कि तुम या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या नोट्स बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं इंपॉर्टेंट चांट के ही डिस्कस करता हूँ, क्योंकि डेज तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, और कोई एक्सेप्शन केस होगा जो छूट जाता है, ठीक है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो ढंग से तैयारी करो, कोई टेंशन नहीं है, और वीडियोज़ भी आती रहेंगी। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ लाइक बटन दबाओ अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो। यार लाइक देखते हो, अगर अच्छी लगती है तो लाइक दबा दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।